नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित माहेश्वरी, बिजनेस ट्रेनर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड सीईओ मेटास ओवरसीज लिमिटेड। स्टॉक मार्केट मिलियनेयर की इस सीरीज में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन बिगनर्स के मन में होती है कि वो ये नहीं समझ पाते कि सर टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के बीच में क्या अंतर होता है और कब हमें टेक्निकल एनालिसिस करना चाहिए और कब हमें फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए। तो बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं, नंबर वन ट्रेडर एंड नंबर टू इन्वेस्टर। ट्रेडर वो लोग होते हैं जो कंपनी के शेयर प्राइस या उस शेयर प्राइस की मूवमेंट को देखकर शेयर को बाय या सेल करते हैं। मतलब वो हमेशा ये देखते हैं कि शेयर की मूवमेंट कहाँ जा रही है। और जो ट्रेडर होते हैं तो वो ज़्यादातर इंट्राडे ट्रेडिंग यानी डे ट्रेडिंग करते हैं, मतलब सुबह से शाम तक शेयर खरीदते बेचते हैं, या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं। ध्यान रखिए, इन्वेस्टर्स जब भी शेयर में इन्वेस्ट करता है तो वो शेयर प्राइस की मूवमेंट को चेक नहीं करता, वो देखता है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, कंपनी के प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, प्रोडक्ट में क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, प्रेजेंट या फ्यूचर में ग्रोथ की कितनी संभावनाएं हैं, एक्सपेंशन का कंपनी का प्लान क्या है, या बजट में गवर्नमेंट ने उस प्रोडक्ट, उस इंडस्ट्री या उस कंपनी के लिए किस तरह की पॉलिसीज बनाई हैं। इन्वेस्टर ज़्यादातर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है जिससे उसकी इन्वेस्टमेंट भी लंबे समय के हिसाब से ग्रो हो। तो यहाँ पर हमें समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टर क्या है और ट्रेडर क्या है। इन्वेस्टर वो व्यक्ति है जो शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने के लिए पैसा इन्वेस्ट करता है, जबकि इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करता है ताकि वो कंपनी की ग्रोथ के साथ साथ पैसा कमा सके। अब बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब है किसी भी कंपनी का आधारभूत स्ट्रक्चर क्या है, उसको एनालाइज करना। अब फंडामेंटल एनालिसिस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव और दूसरा क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो हम बात करते हैं सबसे पहले क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, मतलब किसी भी कंपनी की जो क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स है वो क्या है। जैसे कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें क्या बताती है, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो हमें क्या शो करता है, कंपनी की बैलेंस शीट क्या बताती है, इनकम स्टेटमेंट क्या है कंपनी की, कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है। इसी के साथ साथ हम कंपनी की जब फंडामेंटल एनालिसिस को हम चेक करते हैं तो कंपनी की फाइनेंशियल रेशोज को भी हम चेक करते हैं। अब ये रेशोज हमें क्या बताती हैं कि उस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, मतलब कंपनी कितने लेवल पर मार्केट में लीड कर रही है। जैसे कंपनी की पीई रेशो, पीबी रेशो, आरओआई, आरओई, डेट इक्विटी रेशो और करंट रेशो। और मैंने आपसे कहा था कि रेशोज के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारी रेशोज कैसे चेक की जाती हैं और कैसे उनका कंपैरिजन करते हैं, ये मैं आपको जरूर सिखाऊंगा। तो अभी पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि पीई रेशो, अर्निंग पर शेयर क्या है, आरओआई क्या है, उसके बारे में आप जरूर देखें। और फ्रेंड्स, ये ना पूरी कंप्लीट सीरीज है, मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है सीरीज को ध्यान से देखें ताकि आप स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टिंग के बारे में सब कुछ समझ जाएं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब हम कंपनी की क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो ये हर इन्वेस्टर के लिए एक ही तरीके से, एक ही समान रूप में मायने रखती है। क्यों? क्योंकि कंपनी के नंबर पर बेस करती है और कंपनी की जो पोजीशन है उसके बारे में बताती है, मतलब कंपनी की प्रॉफिट पोजीशन क्या है, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, कंपनी के ऊपर डेट कितना है, कंपनी कब कब प्रॉफिट कमा रही है, कंपनी की इक्विटी क्या है, कंपनी के ऊपर लाइबिलिटीज कितनी है, उसके पास करंट रेशो कितनी है, कैश का फ्लो कितना है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस के थ्रू पता चलता है, मतलब कंपनी की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। अब बात करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस का वर्ड से ही क्लियर होता है कि हमें कंपनी की क्वालिटी को चेक करना है, मतलब कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, किस बिजनेस मॉडल पर कंपनी काम कर रही है। मैं एग्जांपल ग्रुप में बताता हूँ, बिजनेस मॉडल दो तरह का भी हो सकता है, जैसे कंपनी फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम करती है या कंपनी ओन्ड आउटलेट्स पर काम करती है। जैसे आप रिलायंस फ्रेश देखते हैं तो या तो उसके फ्रेंचाइजी होंगे या कंपनी के अपने आउटलेट होंगे। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की क्वालिटी या सर्विस है तो सर्विस की क्वालिटी किस तरह की है, ये स्टडी करना बहुत ज़रूरी है जब हम किसी भी कंपनी की क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं। कंपनी की यूएसपी क्या है, मतलब कंपनी का कौन सा यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन है जिसकी वजह से कोई भी बायर उस कंपनी में, उस कंपनी के प्रोडक्ट खरीदता है और इन्वेस्टर उस चीज़ को देखकर इन्वेस्ट करता है। कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी क्या है, मतलब जब अपने कॉम्पिटिटर से कंपनी कंपेयर की जाती है तो उसमें कंपैरेटिवली क्या डिफरेंस पाया जाता है। कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ प्लान क्या है कि भविष्य में कंपनी ने क्या क्या प्लान बनाया आगे बढ़ने के लिए। कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसका विजन क्या है, ये भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। कंपनी की ब्रांड इमेज क्या है। फ्रेंड्स, एक बात को ध्यान से समझ लीजिएगा कि हर इन्वेस्टर के लिए कंपनी की जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का जो पर्सनल जजमेंट है
वो उस पर डिपेंड करता है कि वो कंपनी के बारे में किस तरह का जजमेंट अपने माइंड में रखता है और फ्यूचर ग्रोथ के उसके हिसाब से मायने क्या हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ का मतलब है कंपनी का बिजनेस 60% 70% तक बढ़ जाए, 100% तक बढ़ जाए तो फ्यूचर ग्रोथ है। कुछ लोग मानते हैं कि फ्यूचर ग्रोथ का मतलब है 200%, 300%, 500%। तो ये अलग अलग व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो कंपनी की क्वालिटेटिव एनालिसिस को किस तरह से अंडरस्टैंड करता है और किस तरह से उसके ऊपर डिसीजन लेता है। इसका मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको कंपनी के फंडामेंटल को ज़रूर स्टडी करना चाहिए, चाहे वो क्वालिटेटिव हो या क्वांटिटेटिव हो। उसी के बाद आप डिसीजन लें कि मैं कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करूं या नहीं। लेकिन जब हम ट्रेडर्स की बात करते हैं, हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं, तो जितने भी ट्रेडर्स हैं वो सबसे ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस पर विश्वास करते हैं। एक बात को ध्यान से समझना, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं और ट्रेडिंग में बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कमाना चाहते हैं तो ये बात ज़रूर समझ लेना कि जो टेक्निकल एनालिसिस है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल टूल है ट्रेडिंग करने के लिए। क्योंकि जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हम शेयर के प्राइस को देखते हैं और शॉर्ट टर्म में जो शेयर का प्राइस है ना वो बहुत तेज़ी से अप एंड डाउन होता है। उस अप एंड डाउन में कब हमें शेयर को बाय करना है, कब उसको सेल करना है या कब हमें होल्ड करना है, ताकि हम ट्रेडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना सकें और अपनी इन्वेस्टमेंट को तेज़ी से मल्टीप्लाई कर सकें। और हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहाँ पता होनी चाहिए अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो ट्रेडिंग ना तीन तरह की थ्योरी पर चलती है। उनमें सबसे पहली जो थ्योरी है वो कहती है कि मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग ऑटोमेटिकली। मतलब टेक्निकल एनालिसिस में हमेशा ये माना जाता है कि जो मार्केट है वो हमेशा पहले से ही शेयर के जो प्राइस हैं वो फंडामेंटल एनालिसिस से प्रभावित होते हैं। मतलब जो भी फंडामेंटल्स कंपनी के चल रहे हैं उसी के हिसाब से मार्केट में उसका शेयर का प्राइस चल रहा है। इसीलिए हमारा पूरा ध्यान जो है ना वो फंडामेंटल एनालिसिस पर नहीं होना चाहिए, हमारा ध्यान होना चाहिए मार्केट के सेंटीमेंट्स पर। मतलब मार्केट का सेंटीमेंट किस तरह का है। इसीलिए ना टेक्निकल एनालिसिस में जो पूरा ध्यान लगाया जाता है वो मार्केट के सेंटीमेंट्स पर लगाया जाता है कि मार्केट के सेंटीमेंट्स क्या हैं, उसी के हिसाब से डिसाइड होगा कि शेयर का ट्रेंड क्या होगा। दूसरी जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो ये कहती है कि स्टॉक मार्केट मूव इन ट्रेंड। स्टॉक मार्केट हमेशा ट्रेंड में मूव करती है। मतलब किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, जैसे अलग अलग तरह के ट्रेंड हो सकते हैं, जैसे अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइड वेव ट्रेंड है, ये अलग अलग तरह के ट्रेंड्स होते हैं। फ्रेंड्स, अगली वीडियोस में ना मैं आपको सारी चीज़ें और बताऊंगा इसके बारे में कि ट्रेंड्स क्या होते हैं, कैसे ट्रेंड चेक किया जाता है, कब इन्वेस्टिंग करते समय किस किस तरह के ट्रेंड को हम स्टडी करते हैं, ये सारी चीज़ें हम फ्यूचर में डिस्कस करने वाले हैं। अब बात करते हैं थर्ड थ्योरी की, और थर्ड थ्योरी कहती है कि हिस्ट्री ट्रेंड टू रिपीट इटसेल्फ। हमेशा हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। मतलब पास्ट में शेयर प्राइस जिस कंडीशन में जिस हिसाब से चेंज हुए हैं फ्यूचर में भी वैसे ही चेंज होगा, क्योंकि शेयर प्राइस का जो ट्रेंड है ना, शेयर का जो ट्रेंड है वो हमेशा ट्रेडर के इमोशन और बिहेवियर के हिसाब से चेंज होता है। जैसा इमोशन और बिहेवियर एक ट्रेडर का होगा उसी हिसाब से शेयर मार्केट मूव करेगी। तो फ्रेंड्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप इन्वेस्टिंग करते हैं, और इन्वेस्टिंग आपकी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म किसी भी चीज़ के लिए हो, चाहे आप ट्रेडर के रूप में काम करें या इन्वेस्टर के रूप में काम करें, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से हम शेयर के प्राइस को एनालाइज करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में जब हम बात करते हैं ना, तो आज जो थ्योरी सबसे ज़्यादा चल रही है वो है मॉडर्न टेक्निकल एनालिसिस, जो चार्ल्स डॉ की थ्योरी पर आधारित है। चार्ल्स डॉ ने एक आर्टिकल लिखा था 55 वॉल स्ट्रीट, जिसके आधार पर ये समझाया गया था कि फ्यूचर में जो प्राइस होने वाला है, मतलब भविष्य में किसी चीज़ का प्राइस आएगा, वो हिस्टोरिकल डेटा के आधार पर है, और हिस्टोरिकल डेटा को स्टडी करके फ्यूचर के प्राइस को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। हम ये कह सकते हैं कि चार्ल्स डॉ के हिसाब से कि हमारा कोई भी चार्ट देखकर हम स्टडी कर पाएं कि इस चार्ट के हिसाब से भविष्य में इस शेयर का प्राइस इतना हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, टेक्निकल एनालिसिस में हम पास्ट मूवमेंट के बारे में तो जानते हैं, हम ये तो देखते हैं कि पास्ट में कितनी मूवमेंट हुई, प्राइस कब कब इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, कब स्टेबल हुआ, लेकिन फ्यूचर मूवमेंट को केवल हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसकी एक्चुअल मूवमेंट के बारे में हमें पता नहीं चलता। इसीलिए बहुत ज़रूरी है मार्केट की डायरेक्शन को देखना, मार्केट की वैल्यूएशन को देखना, स्टॉप लॉस कैसे मैनेज करना है उसको समझना। और फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप इन्वेस्टिंग करें तो इन्वेस्टिंग के साथ साथ अपनी नॉलेज को भी एनहांस करें, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टिंग के बारे में स्टडी करें, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ देखें, आर्टिकल देखें, आर्टिकल्स को समझें, कंपनी की बैलेंस शीट को स्टडी करें। और आने वाली वीडियोज़ में सब कुछ आपको सिखाने वाला हूँ कि सारा काम होता कैसे है। इसीलिए फ्रेंड्स, इन्वेस्टिंग में अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, स्टॉक मार्केट मिलियनेयर की सीरीज़ को स्टार्टिंग से देखें ताकि हर चीज़ को आप समझ पाएं, और अपने नोट्स ज़रूर बनाएं, और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुंदर भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।